आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि किसी दिन आप सो के उठे और आप बहुत ही अजीब सा महसूस कर रहे हो, बिल्कुल फ्रेश ना महसूस कर रहे हो, उठने का दिल भी नहीं करता, बट उठना तो ऑब्वियसली पड़ता है। क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन इसको सही करने के लिए एक टेक्निक है। ये एक टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसको करने से आप अपना पूरा दिन खुशगवार भी बना सकते हैं और ये हमारा दिन बहुत अच्छा भी गुजरवाती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लबीका बतूल, आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करने आई हूँ जिसकी वजह से आप अपना पूरा दिन खुशगवार गुजार सकते हैं और जिस दिन आप फ्रेश ना भी फील कर रहे हो, जिस दिन आपका मूड भी सही ना हो, आप उस दिन को भी बहुत खुशगवार बना सकते हैं और बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो वो एक बहुत सिंपल चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये बहुत से लोगों को सजेस्ट कर चुके हैं, बहुत से प्रोफेशनल कोचेज, बहुत से प्रोफेशनल थेरापिस्ट, बट ये मैं आप लोगों को आज शेयर करने जा रही हूँ बिकॉज ये जो चीज़ होती है, ये कोचेज जो होते हैं, थेरापिस्ट जो होते हैं, अपने लाखों रुपये के सेमिनार्स के अंदर बताते हैं लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये सिर्फ फ्री 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 में। इसलिए मैं आप लोगों के साथ फ्री में टेक्निक्स शेयर करती हूँ, वो भी बहुत ही नायाब टेक्निक्स, तो आप लोगों का एक सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, तो बात कर लेते हैं शुरू। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप अजीब सा फील करें, आप फील करें कि आप बिल्कुल भी फ्रेश नहीं फील करें, मूड आपका अच्छा ना हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बैठ के या फिर बहुत बेहतर होगा कि आप लोग खड़े होकर जो है ना ये काम करें। आप लोगों ने अपना ये कह लें हैंड लेना है, राइट हैंड लेना है और ऐसे मुक्का बनाना है, ठीक है। ये बनाने के बाद ये जो चीज़ होती है इसे कहा जाता है थाइमस। क्या थाइमस? ये होती है हमारी चेस्ट के मिडल में हमारी चीज़ होती है जिसको थाइमस कहा जाता है। ये तकरीबन ऊपर ऊपर ही होती है, ठीक है। इसको कहा जाता है थाइमस, THYMUS, थाइमस। तो इधर आप लोगों ने क्या करना है, ये लेके ऐसे थंप करना है जोर से। यहाँ करने से हम फ्रेश फील करते हैं, जब हम सांस भी लेते हैं तो नोज़ के अंदर से हमारे अंदर जाता है और ऑब्वियसली इस प्रोसेस से गुजरता है। तो अक्सर हम जब खुश होकर भी एक डीप ब्रेथ लेते हैं तो वो भी यहाँ से जाके गुजरता है और ये मिडल पॉइंट होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ करना ज़रूरी होता है बिकॉज यहाँ जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक अच्छे सेल्स दौड़ते हैं और हमें कह लें हमारी बॉडी को एक होप मिलती है कि यस हम कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। तो ये जो होता है ना, आपने यहाँ ऐसे ज़ोर से यहाँ नॉक करना है, थंप करना है, जिसे कहते हैं ना थंप, वो आप लोगों ने यहाँ करना है, ठीक है। और आप ज़रूर देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है आपको। और ये एक सिंपल टेक्निक करने से जो है आप अपना दिन भी अच्छा गुजार सकते हैं और जब भी आपका मूड अजीब सा हो, ऐसा करके आप फील करें, अजीब सी कैफियत आपकी जारी हो, तो आप ये चीज़ लाजमी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।